गुड मॉर्निंग क्लास। जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा के व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन सेमेस्टर 3 के इस विषय के ई क्लास में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 का ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा, जिसमें हम लोग संप्रेषण के आधुनिक माध्यम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तथा जो हमारे सिलेबस में दिए हुए आधुनिक माध्यम है संप्रेषण के, उसकी यहाँ पर विस्तृत जानकारी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने जो संप्रेषण है उसके अलग अलग प्रकार देखे, संप्रेषण का अर्थ देखा, विशेष रूप से व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ देखा, तथा व्यावसायिक संप्रेषण में मुख्य रूप से जो आधुनिक माध्यम है, जो मीडियाज है, जो मॉडर्न मीडियाज है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें यूनिट नंबर 2 के इस लास्ट पोर्शन में दी हुई है। तो संप्रेषण के आधुनिक माध्यम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी मैन्युअल, जिसको हम लोग सामान्य रूप से मैन्युअल बोलते हैं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी मैन्युअल, जिसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी दी होती है, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के अलग अलग विभागों की जानकारी, तथा संपर्क का तफसील होता है अलग अलग प्रकार से, जहाँ पर कंपनी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर की वहाँ पर जानकारी आपको दी होती है, कंपनी कौन से उत्पादों का उत्पाद कर रही है, तथा कौन कौन सी सेवाएं वो सामान्य कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है, इसकी संपूर्ण जानकारी कंपनी मैनुअल में होती है। कंपनी मैनुअल एक बुकलेट होता है ऐसा, कि जिसमें जैसा हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर, उस वहाँ पर हमको जो जो चीज़ें खरीदनी है हम लोग इजीली जो रेड कार्ड होता है उसमें से हम लोग ऑर्डर करते हैं, वैसे ही कंपनी मैनुअल में कंपनी की संपूर्ण जानकारी दी होती है, जिसको देखकर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हैसियत क्या है, कंपनी का एक सोशल इमेज क्या है, कंपनी के में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तथा कंपनी में कौन कौन से लोग काम करते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य जानकारी को प्रोवाइड करने वाला डॉक्यूमेंट कंपनी मैनुअल होता है। एक जन्म पत्रिका जैसे होती है किसी जातक की, उसी प्रकार कंपनी मैनुअल एक कंपनी की जन्म पत्रिका होती है, जिसमें संपूर्ण जानकारी दी होती है कंपनी के बारे में। तो इसकी कुछ विशेषताएं हमको यहाँ पर दी हुई है हमारे सिलेबस में, तो वो विशेषताएं कौन कौन सी, देखिए कंपनी सबसे नंबर 1 पर दिया हुआ है कंपनी की जानकारी तथा इतिहास। तो कंपनी बनने से पूर्व कंपनी की हिस्ट्री होती है, तो वो हिस्ट्री यहाँ पर आपको दी होगी, कंपनी को बनाने वाले जो फाउंडर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से कैसे हालातों में कंपनी को बनाया, कहाँ कहाँ से फाइनेंस जुटाया, तथा कंपनी को किन कंडीशन में उन्होंने बिल्डअप किया, इसकी जानकारी आपको कंपनी मैनुअल में दी होती है। साथ में कंपनी की जानकारी यहाँ पर होती है कि कंपनी कौन से साल इस्टेब्लिश हुई, कंपनी ने कौन से ईयर में कौन से काम किया, तथा कंपनी क्या क्या करने वाली है भविष्य में, ऐसी सामान्य सी जानकारी यहाँ पर आपको कंपनी मैनुअल की शुरुआत में दी हुई होती है। नंबर 2 उसमें दिया होता है संपर्क एवं विभाग। देखिए कंपनी कोई एक व्यक्ति द्वारा बनाई हुई संस्था नहीं है, तो कंपनी में बहुत सारे अलग अलग विभाग काम करते हैं, उसके अंदर अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं, तो वो जो अलग अलग विभाग होते हैं उसके हेड्स, उसमें काम करने वाले संपर्क, जो संपर्क जिनको हम लोग कर सकते हैं, ऐसे लोग, इनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होती है कि पर्टिकुलर कोई अगर हमको प्रॉब्लम है तो कौन से व्यक्ति को, कौन से विभाग में हमको संपर्क करना है, इसकी जानकारी हमें कंपनी मैनुअल में दी होती है। साथ ही में नंबर 3 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। जो हमारे कर्मचारी है, जो हमारे वर्कर है, तथा जो हमारे कस्टमर्स है, इनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होती है, कि कंपनी में काम करते हुए फील्ड पर वर्क करते हुए किस प्रकार से कौन से कपड़े पहनने चाहिए, वहाँ पर क्या हमने वियर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस समय हमने कौन कौन से सुरक्षा नियमों का पालन करना है, तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी कंपनी मैनुअल में होती है। नंबर 4 रचना और स्तर। प्रत्येक कंपनी में जो एक कल्चर होता है वो अलग अलग होता है, तो उसका जो स्तर है तथा रचना है कंपनी की वो अलग अलग होती है, कौन सा व्यक्ति कौन से व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वाला है, तथा किसे किसकी बात को मानना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको दी होती है स्ट्रक्चर में। तथा स्तर का मतलब होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने देखा है उसी को हम लोग स्तर बोलेंगे, कि कौन से अधिकारी के अंडर में कौन सा अधिकारी काम करता है, तो रचना एवं स्तर यहाँ पर मेंशन होता है हमारे कंपनी मैनुअल में। नंबर 5 है उत्पाद एवं सेवाएं। तो कंपनी कौन कौन सी सेवाओं में डील करती है, कौन कौन से उत्पादों का उत्पादन करती है, ये जानकारी भी आपको यहाँ पर दी होती है कंपनी मैनुअल में, कि कंपनी
के उत्पाद कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी वेराइटीज हैं, उसके और वो कौन कौन से सेगमेंट्स है तथा सेवाएं कौन कौन सी है, ये संपूर्ण जानकारी कंपनी मैनुअल में हमें दी होती है। तो देखिए एक बार इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि कंपनी मैनुअल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा बुकलेट है जिसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी दी होती है। कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी की सामान्य जानकारी, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर से लेकर के उसने कौन कौन से समय कौन कौन से काम किए, ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होती है। अलग अलग विभागों की उन किससे हमें संपर्क करना है, उन व्यक्तियों की, उन कर्मचारियों की जानकारी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कुछ नियम हमें वहाँ पर दिए होते हैं। कंपनी के स्तर और रचना जो होती है, स्ट्रक्चर एंड लेवल, इसकी भी यहाँ पर जानकारी हमें दी होती है। कंपनी कौन कौन से उत्पादन करती है, उत्पाद कौन कौन सा प्रोड्यूस करती है तथा कौन कौन सी सेवाओं में डील करती है, इसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर कंपनी मैनुअल में दी होती है। तो इसके बाद है नंबर दो, गृह पत्र, जिसे हम हाउस जनरल कहते हैं। नाम पर से हमें समझ जाना चाहिए, गृह पत्र का मतलब जो घर के अंदर में काम आए, ऐसा पत्र, ऐसा पोस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसा एक जनरल होता है, एक बुक टाइप भी होता है या फिर वो एक पेज का भी हो सकता है कि जो हमारे इंटरनल वर्क में, हमारे इंटरनल कर्मचारियों को, हमारे कस्टमर्स को काम में आए, थर्ड पर्सन को उसका कुछ भी रिलेवेंट यूज नहीं होता है, ऐसा एक गृह पत्रक होता है। तो एक गृह पत्रक में भी कंपनी के अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें दी होती है, कंपनी में कौन कौन सी पॉलिसीज है, कंपनी कि मैं कौन कौन काम करता है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है तथा कंपनी का एक यश सक्सेस जो होता है, सक्सेस स्टोरी वहाँ पर हमको कंपनी की दी होती है कि कंपनी ने क्या क्या किया अब तक और भविष्य में और क्या क्या अच्छे अच्छे काम वो करने वाली है। तो गृह पत्र में उसकी विशेषता यहाँ पर हमको दी है। नंबर एक है कंपनी का यश, कंपनी का सक्सेस जो होता है, कंपनी ने कहाँ से शुरुआत की थी, कंपनी ने किस प्रकार से ग्रोथ की है, कंपनी ने कैसे वेल्थ मैक्सिमाइज की है हमारे स्टेक होल्डर्स की, ये संपूर्ण जानकारी कंपनी के गृह पत्र में हमें दी होती है, हाउस जनरल में दी होती है। नंबर दो, विश्वास संपादन जो होता है कस्टमर्स का, कर्मचारियों का, वो संपादन करने का काम गृह पत्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि गृह पत्र में ऐसी जानकारी होती है जिसे पढ़कर जो स्टेक होल्डर्स है, जो कर्मचारी है, उनका विश्वास क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नंबर तीन है उच्च प्रतिमा, जो कंपनी होती है उसकी उच्च प्रतिमा का कारक होता है गृह पत्र। इसमें दी हुई जानकारी से क्या होता है, लोगों के माइंडसेट में कंपनी के विषय में, हमारे व्यवसाय के विषय में क्या होता है, एक प्रतिमा उच्च उसकी निर्माण होती है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नंबर चार है कंपनी की नीति, जो पॉलिसी होती है कंपनी की, कंपनी कौन कौन सी पॉलिसी मतलब बनाने वाली है, बना चुकी है, कौन सी इस पर काम कर रही है, ये सब यहाँ पर दिया होता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है और भविष्य में कंपनी क्या करने वाली है, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। नंबर पाँच है अभिप्रेरणा जो होती है कर्मचारियों को, वो भी यहाँ पर गृह पत्र के द्वारा दी जाती है। अभिप्रेरणा कैसी होती है, पॉजिटिव हमेशा होगी यहाँ पर जो दी होंगी कि कर्मचारियों ने अगर टारगेट पूरा किया, अच्छी प्रकार से क्वालिटीफुल वर्क करते हैं, तो उनको भविष्य में क्या स्कोप है कंपनी में, ये जानकारी देकर के हम क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में वृद्धि वहाँ पर कर सकते हैं, ताकि उनके काम में जो है वो बढ़ोतरी हो, उनके काम का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो। तो ये हो गया हमारा गृह पत्रक, जिसे हम लोग हाउस जनरल कहते हैं। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे। गृह पत्रक का अर्थ होता है कि एक ऐसा मैनुअल होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी दी होती है, कंपनी भविष्य में क्या करने वाली है, कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज पर वो काम कर रही है, फिलहाल कौन सी चल रही है, भविष्य में कंपनी क्या करेगी तथा उसके सक्सेस स्टोरी को वहाँ पर एक्सप्लेन किया होता है कि कंपनी ने अब तक क्या क्या किया, साथ ही में कंपनी की प्रतिमा उच्च कैसे होगी तथा कंपनी की कौन कौन सी नीतियाँ होने वाली है तथा कंपनी के कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार से अभिप्रेरित करने का काम गृह पत्र करता है। तो ये हो गया गृह पत्र, जिसे कि हम लोग हाउस जनरल कहते हैं। इसके साथ नंबर तीन पर हम लोग देखेंगे पत्र, जिसे लीफलेट हम लोग कहते हैं, जिसको कि हम लोग बोलेंगे एक पॉम्पलेट जो होता है, कि ये पॉम्पलेट जो पत्रक होता है, लीफलेट जो होता है, वो कंपनी से संबंधित तो जरूर होता है, परंतु एक विशेष ऑब्जेक्टिव के साथ इसे बनाया जाता है। एक आधा प्रोग्राम है या फिर एक आधी कोई नई चीज है या फिर एक कंपनी का कोई नई पहल है, उससे संबंधित ये लीफलेट होता है, पत्रक होता है, जो कि छापा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है ऑलवेज, और इसमें जो दी हुई जानकारी होती है वो एकदम आकर्षक रूप से एक्सप्रेस की हुई होती है तथा इसमें पर्टिकुलरली संपर्क दिए होते हैं, कॉन्टेक्ट दिए होते हैं रिलेटेड पर्सन के।
तो ये जो पत्रक होता है लीफलेट, इसकी विशेषता यहाँ पर दी हुई है। नंबर एक, उद्देश्य पूर्ण होता है ये, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ ये लीफलेट बनाया जाता है, पत्रक बनाया जाता है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, हमेशा कम समय के लिए पर्टिकुलर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इसे बनाया जाता है। नंबर दो, ये छापा हुआ होता है हमेशा, इसमें जो जानकारी दी होती है वो हमेशा प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड फॉर्म की होती है, वो कभी भी वॉइस में नहीं होगी, वो एक पेज पर या फिर आजकल डिजिटल भी, डिजिटल जमाने में हम लोग इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग पोस्टल लीफलेट इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वो भी हो सकता है, परंतु वो भी छापी हुई जानकारी है, प्रिंटेड ही जानकारी के अंडर में आता है। आकर्षक होता है उसके जो सेंटेंस होते हैं, उसका जो एक डिजाइन होता है वो कैसा होता है, आकर्षक होता है, सामान्य लोगों को जो अपनी तरफ सहज रूप से आकर्षित कर सके ऐसा उसका डिजाइन वर्ड्स होते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में जो संपर्क सूत्र होते हैं जिससे हमें कॉन्टैक्ट करना है, इसकी जानकारी भी हमको यहाँ पर दी होती है पत्रक में, लीफलेट में। एक बार इसको फिर से रिव्यू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसको एक बार, कि पत्रक का अर्थ होता है लीफलेट। लीफलेट मतलब ऐसा पॉम्पलेट जिसमें कंपनी से संबंधित कोई प्रोग्राम या फिर कोई नई पहल होती है, कंपनी उसकी जानकारी दी होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसकी विशेषता है कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इसे बनाया जाता है। साथ ही में इसमें दी हुई जानकारी कैसी होती है, प्रिंटेड होती है। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, डिजाइन होते हैं, अलग अलग पिक्चर्स यूज होते हैं, आकर्षक होते हैं ताकि सामान्य व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो। और इसमें संपर्क भी दिया हुआ होता है कि इस पर्टिकुलरली हमको इससे संपर्क करना है। तो इस प्रकार से हमने पत्रक देखा। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो है वो ईमेल है। ईमेल के बारे में ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता तो नहीं, परंतु तो हमारे सिलेबस में दिया है तो इसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि ईमेल का अर्थ होता है कि कंपनी जो इंटरनेट होता है उसके माध्यम से हम लोग लेटर फॉर्मेट में मैसेज को क्या करते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, सामान्य लोगों तक पहुँचाते हैं, रिलेटिव लोगों तक पहुँचाते हैं, इसको हम लोग ईमेल बोलते हैं। आज के युग में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है कम्युनिकेशन में वो ईमेल ही है। इसके जो फीचर्स है, वैशिष्ट है, वो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। नंबर एक है इंटरनेट। ईमेल को अगर हमको फॉर्मुलेट करना है तो उसके लिए हमको इंटरनेट का होना अत्यंत आवश्यक है। विदाउट नेट कनेक्शन हम लोग ईमेल को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको उसका मैसेज जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नंबर दो है कानूनी, इसको महत्व होता है। जैसे कि पोस्टल लेटर को जो इम्पोर्टेंस होता है एक प्रूफ के तौर पर जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही ईमेल को एक कानूनी महत्व प्राप्त है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी को ईमेल करते हो तो वो एक प्रूफ के रूप में आपके कहीं पर तो भी होता है वो जमा। तो एक हो गया नंबर दो। नंबर तीन है समय की बचत इसमें होती है। कम समय में अगर हमको बहुत सारे लोगों को मैसेज देना है तो हम लोग उसको आराम से कम समय में 2-5 मिनट में ही हम बड़े से बड़ा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा मीडिया का यूज़ ना करते हुए। नंबर चार है पैसों की भी यहाँ पर बचत होती है बहुत ही कम खर्च में। एक्चुअली ये फ्री ही होता है, सिर्फ इंटरनेट जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कम से कम पैसों में ये मैसेज मास लेवल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो अन्य में बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे लोगों को अगर मैसेज करना है, मास कम्युनिकेशन इसमें कवर होता है। साथ ही में इसमें बहुत सारे इसके फायदे कौन कौन से हैं, कॉस्ट की बचत होती है तथा इसे कोई भी व्यक्ति एंगेज जो हम लोग रखते हैं मैसेज बनाना, फिर अलग अलग मीडिया को चूज करना, ये सब यहाँ पर कवर हो जाता है। कम समय में कम पैसों में सब चीज़ें यहाँ पर ईमेल के द्वारा हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि सामान्य कस्टमर्स तक, कर्मचारियों तक हमारा मैसेज क्या हो सके फॉरवर्ड कर सके। पर्टिकुलर उस व्यक्ति से हमको मिलने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर ईमेल में। अगर कोई फॉरेन में है, अगर कोई दूसरे शहर में है, अलग जगह पर है, तो उसके पास जाकर के फेस टू फेस बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग ईमेल के द्वारा कहीं पर भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हमारे समय की बचत हो तथा पैसे की भी बचत हो। तो ईमेल का आपको सबको अर्थ पता चल गया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा जब हम लोग एक कुछ शब्दों को मैसेज के रूप में फॉरवर्ड करते हैं इसको हम लोग ईमेल बोलते हैं। कानूनी इसका महत्व होता है, समय की पैसों की यहाँ पर बचत होती है, कम समय में हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं, ऐसा ये ईमेल होता है। तो संप्रेषण के आधुनिक माध्यम जो है यहाँ पर हमने देखे। आज हमारा ये यूनिट नंबर 2 कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।